नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले नजर पके नबा कोन रहिछि वर्तमान रा हेडलाइंस। राज्य रे रेकर्ड भांगिला दैनिक संक्रमण 24 घंटा रे 12390 आक्रांत चिन्हट खोर्धारु 2201 नुआ संक्रमित सर्वाधिक 22 रोक जीवन नेला महामारी। अक्षय तृतीय पूर्व चाषी को डबल सहायता आज 9,50,00,000 अन्नदाता खाता को जीव पीएम किसान रो अष्टम किस्ती प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को धन्यवाद जणाइले धर्मेन्द्र प्रधान संध्या रे मिलिबो कालिया टंका। काम करबा को ओडिसा आसी फसिले लॉकडाउन जोगु जाई पारु नहंती बिहार भागलपुर गंजाम रो राइस मिल रे करथुले काम गतकालीठु राजधानी रे अटक रहिछंती प्रवासी। गंजे चालाणर नुआ फंडा पणस पछई ट्रक रे नेउथबा बेले धरिला कोरापुट लंबतापुट और नंदपुर पुलिस दुई जण को अटक रखी चालिछि पतराउचरा। एवं आज पवित्र ईद उल फितर एथर घर सुबिब नमाज पाठ कोविड कटकणा रे राज्य रे पालन हेब ईद महामारी रु रक्षा पाइबा पई करिवे प्रार्थना। बुलेटिन आरंभ करबा कोरोना संपर्कित खबर। राज्य में रेकर्ड भांगिला दैनिक संक्रमण 24 घंटे रेकर्ड 12390 नुआ आक्रांत चिन्हट होती सबु जिले तीन अंक रही आक्रांत संख्या खोर्धारु सर्वाधिक 2201 संक्रमित चिन्हट होती सुंदरगढ़ 882 कटकु 719 संबलपुर 677 अनुगुल 532 बरगढ़ 507 जन संक्रमित चिन्हट होती सेपरी मयूरभंज 480 बलांगीर 561 जाजपुर 436 झारसुगुड़ 413 और भद्रक 412 नुआ आक्रांत चिन्हट होती गत 24 घंटे महामारी 22 जन जीवन नहीं द्वितीय लहर यह सर्वाधिक दैनिक कोरोना मृत्यु गत 24 घंटा मध्य राज्य में 56,214 नमूना परीक्षण कर दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए संपर्क में आलोचना पाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती दिव्य जे जो चित्र सामना को आसुची 24 घंटार रिपोर्ट जी संक्रमित चिन्हट होती से मात्रा रे मृत्यु संख्या कोटना कोटी बढ़ुची ये निहाती चिंताजनक कथा दिव्य निश्चित भाव निवेदिता जो परिसंख्यान सामना को आसी आज यह बेस चिंताजनक उभय जनसाधारण एवं सरकार समस्त चिंता प्रकट करिवार आवश्यक रही सचेतन होवार आवश्यक रही सरकार जो सब एक्शन प्लान आगे चलते बर्तमान कम दे लॉकडाउन शटडाउन हो कि विशेष कर जो सीमांतवर्ती जिला गुड से कड़ाकड़ी कराइला एनफोर्समेंट को तापर भी कौना कौटी कौन से प्रकार कम दे स्पष्ट हो राज्य में सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होती 24 घंटा भितर 12390 ये संख्या ए परिसंख्यान बेस चिंताजनक रही खोर्धा जिला आप देखिए खोर्धा जिले में मध्य हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चिन्हट होती 2201 या पूर्व केवे 2201 चिन्हट हो नाते 2021 संक्रमित चिन्हट होते कि 2200 संक्रमित केवे चिन्हट हो ना सहित आप देखिए जदि सुंदरगढ़ कटक एटी स्थिति टी सुधार आसी एटी कम संख्या पॉजिटिव आज चिन्हट होती किंतु 30 गोटी जिले में 3 अंक ऊपर रही संक्रमण जहां चिंताजनक मालकानगिरी रे गत काली बहुत कम थिला 70 पाखापाखी संक्रमण थिला आज संख्या 3 अंक पार कर अर्थात राज्यर समस्त जिले में वर्तमान 3 अंक पार कर संक्रमित संख्या अन्यपटे गत 24 घंटा भितर देखिए मृत्यु संख्यार मध्ये रेकर्ड होती द्वितीय लहर सर्वाधिक डेथ होती गत 24 घंटे 22 जन जीवन जाइछि एवं पूरा संक्रमित संख्या आप देखिए केवल मे मस 44,493 संक्रमित हो सारे और 230 जन मुंड नहीं सारे महामारी जितेबड़ कि एप्रिल मसरे संख्या थी 13,591 संक्रमित चिन्हट होते 108 जन जीवन जाता तो क्यों ना कौन दिनक दिन संक्रमित संख्या बढ़ुची ता सहित आक्टिव केस बढ़ुची आज आक्टिव केस देखिए 1,04,000 छुई दिल्ली ठू आरंभ कर आम बहुत बड़ बड़ स्टेट गुड को पचर पक आक्टिव केस रे वर्तमान राज्य 12 नंबर स्थान रही समग्र दिव्य जदि देखा जमी आप कहते जे राज्य सरकार जो एक्शन प्लान करते जो प्रस्तुति करुते कि कोरोना को ब्रेक लग जा कोट ना कोटे फेल मार चित्र जहाँ सामना को आसला दिव्य जहाँ 24 घंटार रिपोर्ट कौन तेरे आसंता 19 तारीख में लकडाउन अवधि शेष हो जदि कह साधारण जहाँ डॉक्टर माने परामर्श दौरान जे आलोचना हो लकडाउन को संपूर्ण लकडाउन करने दरकार जमीक कटक को किसी मात्र कोहल कर
निश्चित भाव आपण देखु दुई दिन तले आरएमआरसी रे रही डीजी रही से मध्य जो सब राज्य में 10% रु अधिक संक्रमण रोची से अति कम रे 4-6 सप्ताह बर्तमान लॉकडाउन हेबार आवश्यक रही गत काली अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श देखते जे राज्य सरकार बर्तमान लॉकडाउन अवधि को बढ़ेबार आवश्यक रही जहां सरकारी सूत्र सूचना मिली राज्य सरकार से दिगरे प्रस्तुति चलाई जहां सूचना रही जे अति कम रे 15-16 दिन आहुरी लॉकडाउन अवधि को वृद्धि कर राज्य में 19 तारीख पर जो लॉकडाउन अवधि को आहुरी वृद्धि कर अर्थात ये जो मे मास संपूर्ण लॉकडाउन बोली वर्तमान आम धरी नवा कारण जो भाई संक्रमण हार बढ़ुच्ची देखी राज्य सरकार यह कठोर निष्पत्ति ने सहित एनफोर्समेंट को आहुरी कड़ाकड़ी कर बर्तमान योजना करा जो भी जो लोग अमान्य होने जो फाइन व्यवस्था थी आहुरी कड़ाकड़ी कर आहुरी कठोर हे बर्तमान राज्य सरकार से सब दिगरे किंतु ये जो परिसंख्यान आसुची सामना को एठी आ गोटे कथा आप देखु जो बेड ऑक्सीजन बेड ऑक्सीजन हो बेड हो मेडिसिन हो ये सब सरंजाम वर्तमान कमी सामना को आसला राज्य में वर्तमान 78% लोक को आईसीयू दरकार होती अर्थात 78% लोक आईसीयू रे वर्तमान भर्ती होती जहां सब चिंताजनक विषय जितेबाला आक्टिव केस बढ़ुची से ही समय किभली यार मुकाबला क्यों आईसीयू बेड अधिक अणा किंबा यार विकल्प व्यवस्था राज्य सरकार कौन आ कर सब दिगरे वर्तमान टू प्रिपेरेशन आरंभ कर दरकार ना दिल्ली भली परिस्थिति ओडिशा सृष्टि हेबो एवं लोक मानू मेडिकल बाहर देखा मिल रोगी मानू तो यह स्थितर मुकाबला सरकार वर्तमान टू मेडिकल सरंजाम को बढ़ेबार आवश्यक रही जमीक ऑक्सीजन हो बेड हो वेंटिलेटर हो सब सरंजाम वर्तमान बढ़ेबार आवश्यक रही सब जिते शीघ्र बढ़ा जा पार द्वारा एक्टिव केस जो मैंने लोक मैंने संक्रमित हो मेडिकल भर्ती होते हैं विशेष असुविधार सम्मुखीन हे ना निहांती बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि जहाँ आलोचना करुले जो स्थिति वर्तमान राज्य में देखाई एवं आहुरी सतर्क होगा दरकार जे केवल सरकार नुहति उभय साधारण लोकों एवं सतर्क होबार दरकार नहले स्थिति आगो को आहुरी भयानक हो जहाँ 24 घंटार रिपोर्ट रु सामना को आसुछि। चाषीों पर खुशी खबर आज आसीब चाषीों खाता को टंका पीएम किसान रो अष्टम किस्ती देबे केंद्र सरकार चाषीों खाता को जीव 19,000 कोटी 9,50,00,000 अन्नदाता मिल लाभ दिन 11:00 भिसी जरिया चाषीों आकाउंट को सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो मानक तथ्य राज्य सरकार देते से मिल टा यह प्रधानमंत्री मोदी सीधासख चाषी कथा बर्तमान समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अष्टम किस्ती पाइले चाषी उपकृत हे पीएम किसान योजना रे योग्य कृषक परिवार को वार्षिक 6,000 टंका आर्थिक सुविधा प्रदान करुछंती केंद्र सरकार वर्षक 2,000 लेखाए तीनोटी किस्ती रे 6,000 टंका दे थांती केंद्र सरकार ए पांठी हिताधिकारी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क स्थानांतरित तो हुए या पूर्वरु पीएम किसान योजना रे 10,75,00,000 अधिक चाषी बैंक अकाउंट को 1.15,00,000 कोटी अधिक टंका प्रदान कर 2019 फेब्रुआरी 24 तारीख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश गोरखपुर योजनार आरंभ करते सेबड़े पीएम किसान रो अष्टम किस्ती प्रदान को नहीं प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रमंत्री ट्वीट कर अक्षय तृतीयार अव्ययवती पूर्व प्रधानमंत्री चाषी भाई सांगे कथा पीएम किसान योजनार अष्टम किस्ती अंतर्गत ओडिशा समेत देशर 9.5 कोटी चाषी को 19,000 कोटी टंका प्रदान करुथिबार प्रधानमंत्री और केन्द्र कृषि मंत्री को धन्यवाद देते प्रधानमंत्री मोदी सरकार में क्रमगत भाव अन्नदाता हाथ मुठा को अधिक मजबूत कर चाषी भाई बैंक खाता को सीधासख आर्थिक सहायता जोगाइबा मोदी सरकार चाषी प्रति दायित्वबोध को प्रतिफलित करुच्ची केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते ओडिशा चाषी माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजन अष्टम किस्तीर लाभ पाए कृषि क्षेत्र में संस्कार आणवा तथा कृषकों स्वावलंबी और आत्मनिर्भर करने अनेक पदक्षेप निषीों कल्याण तथा कृषि क्षेत्र में सामग्रिक विकास पर मोदी सरकार प्रतिबद्ध बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर
ओके तृतीया पूर्वर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज चाषीों लगे सहायता राशि प्रदान करेंगे। कालिया योजना चलित बर्षर द्वितीय किस्ती देबे मुख्यमंत्री। आज अपराह पांचटे चाषी को सहायता राशि प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। यहाद्वारा उपकृत हे राज्यर 53 लाख चाषी। गत फेब्रुआरी 1272 कोटी कालिया योजनार सहायता राशि घोषणा करते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। काम करने को ओडिशा आसी फसिले प्रवासी। बिहार भागलपुर किसी युवक काम करने को ओडिशा आसीथिले, मात्र लॉकडाउन जो से निज राज्य को किपरी फेरिबे से नहीं चिंतार पड़िछंती। बिहार भागलपुर किसी व्यक्ति गंजाम जिला ब्रह्मपुर निकट रे एक राइस मिल रे काम करथिले। लॉकडाउन जो मिल बंद हो जिबा फळरे मिल मालिक से घर को फेरी जिबाको कहिथिले, मात्र गत काली ठारु से राजधानी में फसी रहिछंती। बीच में काम कर रहे थे, वहाँ से राइस मिल बंद होने के कारण हम लोग घर चल लेते हैं। कहाँ जाना है आप लोग को? हम लोगों को भागलपुर तरफ जाना है। ये सर आप लोग ही हेल्प कीजिए, हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हम तो फंस चुके हैं, रास्ता चल दिए हैं, तो वो तो अभी गाड़ी से आए और फिर रिजर्व करके। सर कितना लोग है? 11 लोग थे। यहाँ छोड़ के चला गया? यहाँ छोड़ के चला गया, वो बोला यहाँ पे गाड़ी मिलेगा, वहाँ पे पुलिस लगा हुआ ट्रैफिक इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। पणस बुझे ट्रक रे गंजे चालान चुरा चालान को धरला पुलिस। लमतापुर एवं नंदपुर पुलिस को मिली बड़ सफलता, दुजन को अटक रखी लमतापुर पुलिस। गोटे दिन में 44 जन संक्रमित चिन्हट पर कंटेनमेंट घोषणा करागला जहाँ रही खोर्धा जिला को। खोर्धा बोलगढ़ ब्लक माणिपंद गांव दोलमंडप साई को अवरोध अंचल घोषणा कर प्रशासन। 290 परिवार रोथिबा ए साई को आसंता मंगलवार राति 9टा पर्यंत अवरोध अंचल घोषणा कर। बोलगढ़ ब्लक अंचल 268 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले 125 जन वर्तमान चिकित्सित होती। दिनकु दिन राज्य में बढ़ुता कोरोना संक्रमण पर राज्य सरकार लॉकडाउन एवं सटडाउन घोषणा करते। परिस्थिति में होम आइसोलेशन में रहता कोविड रोगी को खाद्य एवं ऑक्सीजन यहस भोक विकट रहता जीवजंतु को आहार जोगा राजधानी भुवनेश्वर जय मा यूथ क्लब। आजिका दिन में जो कोरोना जो भयावहता चली पैंडेमिक टाइमिंग तो आम देखिलु कि बहुत सारा जीवजंतु मैंने असुविधा रोचान, तो से आम कौन कलु प्रति लॉकडाउन तो नुह एटा एबेडु नुह पाखापाखि आम 2 सप्ताह स्टार्ट कर सारे जीवजंतु केमी भल भाव खाया दी पार, तो प्रतिदिन सन्धार आम सबुदिन पाखापाखि 3-4 किलोमीटर कभर करुच्छे। यहाँ हूँ VSS नगर एरिया आमर है, बाणीबार यूनिवर्सिटी एरिया है, बाणीबार रू भी सटडाउन आम बाणीबार मास्टर कैंट पर्यटन जाऊँ, तो पाखापाखि अंचल 4-5 किलोमीटर कभर आम करुँ। ता सहित आमर किसी भाई मानक सहयोग में आमर क्लब्र सदस्य मान समस्त सहयोग में आम गोटे ऑक्सीजन सिलिंडर 2टा ऑक्सीजन सिलिंडर आनीचु। तर जहाँ जो टाइम भी इमरजेन्सी टाइम आसल कि भाई आमर ये असुविधा अच्छी कि आमर ये असुविधा अच्छी, आम सांगे सांग आम देखुचु से लोकर प्रेसक्राइब मैंने प्रेसक्रिप्शन देखापुर डॉक्टर प्रेसक्राइब जो होती से आम चेषा करुँचुपर यथाशीघ्र ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं पहुँचापी। निवृदोष सहयोगी भोला भगत मृत्यु, कटक बड़ मेडिका भोला को मृत घोषणा कले डाक्तर। हृदघात जो भोलार मृत्यु होता सूचना मिली। चौदवा जेल में विचाराधीन कैदी भाव रोला भोला असुस्थ होगापर एसीबी को स्थानातरित तो करते जेल कर्तृपक्ष। भोला नारे विभिन्न थाना था अनेक संगीन मामला। एणिकी रास्ता घाटे महिला दुर्व्यवहार महंगा पड़ब। आज नवरंगपुर जिला पुलिस प्रशासन पक्षर आरंभ है निर्भया पुलिस पाट्रोलिंग। विभिन्न छक रास्ता घाटे रोड रोमियो को साबाड़ करे महिला पुलिस दल। प्रथम पर्यायर 4टी स्कूटी 4 महिला पुलिस को नहीं आरंभ है पाट्रोलिंग दल।
24 ଘଣ୍ଟା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସହର ସାରା ପଇଁତରା ମାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମନିକା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍କ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମନିକୁଆ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍କ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କରୋନା ଟିକା ନେଇ ସାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଏପରି ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବା CDC। ଯେଉଁମାନେ କରୋନାର 2 ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବା 6 ଫୁଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କେବଳ ସଂଘୀୟ, ରାଜ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ, ଆଦିବାସୀ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଇନ, ଲୋକାଲ ବିଜନେସ୍ ଓ ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ। ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଟିକା ନିଅ, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,36,15,000 ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 5,98,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପୁଣି ଥରେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେପାଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ କେପି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାରୀ। ନେପାଳ ସଂସଦରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ହାରିବା ପରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ 3 ଦଳର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 3 ଦିନର ସମୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେପାଳର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30 କେପି ଶର୍ମା ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ନେବେ। ଓଲିଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ହାସଲ କରିବାକୁ 30 ଦିନର ସମୟ ମିଳିବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍, ରମଜାନ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣର ପର୍ବ ପାଳିବେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳି ଇଦ୍ ଉଦ୍ଉଲ୍ ଫିତର ପାଳିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମସ୍ଜିଦ୍ରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି 5-6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଘରେ ରହି ନମାଜ ପାଠ କରିବେ। ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ନିବେଦନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍,
तबे जो मुसलमान संप्रदायर भाई भोनी माने रहछंती सेमाने समस्तंकु घरे रही नमाज पाठ करबाकु कुआ जायछि। रमजान मास शेष दिन रहिछि, तबे त्याग समर्पणर पर्व मुस्लिम धर्मावलंबी माने पालन करिवे। चलित वर्ष जेतु कोविड नियम रहिछि, कोविड कटकणा रहिछि, तारि मध्यरे ईद उल फितर पालिबा पई निष्पत्ति होइछि। कोविड महामारी पई ईद उल फितर पर्व को मुसलमान संप्रदायर लोके नियम अनुजाई पालन करबाको निष्पत्ति नेछन्ते। तबे मस्जिद रे कोविड कटकणा माने 5 रु 6 जनक मध्यरे नमाज पाठ करबाको कुआ जायछि। अन्यमानक मध्यरे जो माने घरे रही मध्य समस्तंकु नमाज पाठ करबाको कुआ जायछि, जेतु महामारी रो कोपरु ता मुक्ति पई एभले को निष्पत्ति निया जायछि। जेतु महामारी रो रक्षा ने प्रार्थना पई मुस्लिम समुदाय को इस्लाम रो धर्मगुरु जे रहिछंती से निवेदन करछंती। आमे समस्त आज बांटिलु ईदी देलु आउ बंटाबुटी सहला पर आउ गोटे छोटिया मीटिंग ता थिला मस्जिद रे। मु आमे समस्त बसिकी डिसाइड करलु जे 5 जण बसिकी आउ कोविड 19 को मानिकी आमे से गाइडलाइन को मानिकी आमे सोशल डिस्टेंस रे 5 जण मात्र नमाज पाठ पढ़ु 9टा समय रे सकाळ 9टा रे। आज आमर जो माहे रमजान रो शेष तारीख हो जाइछि, 30 रोजा रखीछु, 30 तरावी पढ़ीछु एवं आज आम चांद देखीछु आउ काली आम इंशाल्लाह ईद पालन करिवु। आउ ए ईद रे ए जो कोविड रो द्वितीय लहरी शुरू होइछि, निश्चित आम मस्जिद तो नमाज हबो सेटा गवर्नमेंट नियम अनुजाई जेतिकि कम लोक जमी हवा कथा से हबो एवं अन्य माने सबु घरे आम नमाज पाठ करिवु। एवं आमे भी आपण को थ्रू रु समस्त कौचु समस्ते घरे रहीकि ईद को सेलिब्रेट करंतु एवं मास्क पिंधंतु एवं हाथ को सैनिटाइज करंतु एवं डिस्टेंस मेंटेन रखंतु। समय सरिछ बुलेटिन को एट सरछु, अधिक अपडेट पाई देखु थांतु अर्गस न्यूज। नमस्कार।